आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल डीस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमें चूज़ करना है चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन। उसमें रीज़न बताना है हमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डीस्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये किस वजह से बनते हैं? ये बनते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स में जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो हमारे बनते हैं ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम बात करें इनकी, तो इनमें अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, जहाँ साई ए और साई बी क्या है हमारे पास? वेव फंक्शंस है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पाई जाती है? अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियाई। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि न्यूक्लियाई के बीच में नहीं पाई जाती, और यहाँ पे नोडल प्लेन भी पाया जाता है। नोडल प्लेन इज फाउंड बिटवीन न्यूक्लियाई। ठीक है, नोडल प्लेन क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बीच में प्रेजेंट नहीं होते हैं दो न्यूक्लियाई के, तो यहाँ पे रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई क्या होती है? ज़्यादा होती है। रिपल्शन इज हाई बिटवीन न्यूक्लियाई। और इवन यहाँ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में भी म्यूचुअल रिपल्शन देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी क्या होता है? म्यूचुअल रिपल्शन। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन दोबारा कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि हमें रीज़न बताना है कि डीस्टेबलाइज क्यों कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में म्यूचुअल रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई। तो ये करेक्ट है, क्योंकि जो बीच में है न्यूक्लियाई के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, और वो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, वो उस रिपल्शन को ओवरकम नहीं कर पाता। सो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रिपल्शन होता है न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई के बीच में, क्योंकि बीच में हमारा नोडल प्लेन पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नोडल प्लेन, नोडल प्लेन पाया जाता है। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होती है वहाँ पे, तो इस वजह से ये वाली भी स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। सो ऑप्शन थ्री इज सिंग बोथ वन एंड टू। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। एंड ऑप्शन फोर इज सिंग नन ऑफ दी, सो इट इज़ इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थ्री। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।